अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद उमर, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, पहरिया टाउन कराची के प्लेटफॉर्म से। इस टाइम मैं एवेन्यू 31 वाली लोकेशन पे मूव करने जा रहा हूँ और इस टाइम मैं जिस एवेन्यू पे मौजूद हूँ, ये स्टेडियम एवेन्यू है। मेरे बिल्कुल राइट साइड पे रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम और बिल्कुल सामने अगर हम देखते हैं तो प्रिसन 35 के जो विलाज हैं वो लोकेटेड हैं, और मेरे बिल्कुल लेफ्ट साइड पर जो है वो प्रिसन 33। बेसिकली आज हम प्रिसन 33 की लोकेशन पे मूव करने जा रहे हैं और हम स्टेडियम एवेन्यू से अक्रॉस मूव करते हुए प्रिसन एवेन्यू 31 से हम मूव करेंगे प्रिसन 33 की एंट्रेंस पे। और इसकी शॉपिंग गैलरी वाली लोकेशन और हाइटेड लोकेशन जो कि इस टाइम सबसे महंगी लोकेशन हमें प्रिसन 33 के अंदर देखने को मिलती है, जो कि इस टाइम प्रोमिनेंट और हम ये कह सकते हैं कि सबसे हाइटेड लोकेशन प्रिसन 33 की वो है। अच्छा, इसके तीन पार्ट बनाने वाला हूँ और हर एक पार्ट के अंदर जो है मैं प्रॉपरली ब्रीफ करूँगा स्ट्रीट टूर दे के कि इस स्ट्रीट के अंदर हमें क्या इस टाइम प्राइसेस देखने को मिल रही हैं। तो इस टाइम अभी हम जिस लोकेशन पे मूव करने जा रहे हैं ये बिल्कुल शॉपिंग गैलरी के साथ जितनी भी लोकेशंस हैं हम इस तरफ मूव करेंगे। ये मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पे हम प्रिसन 33 के एंट्रेंस देख सकते हैं, लेकिन हम इस वाली लोकेशन से आज एंटर नहीं होने जा रहे क्योंकि ये इसका दूसरा पार्ट बन जाएगा। हम जो इसकी हाइटेड लोकेशन है उस तरफ से मूव करेंगे। इसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे अगर हम देखते हैं इस जिस एंट्रेंस से हम मूव करने जा रहे हैं तो यहाँ पर हमें प्रिसन 32 और प्रिसन 35 के जो स्पोर्ट सिटी विलाज हैं ये वो वाले विलाज हैं जो कि बिल्कुल एंड के अंदर, और यहाँ पर तकरीबन हमें 7 से 8 स्ट्रीट देखने को मिल रही हैं जिसमें स्ट्रीट 28 है, 29 है और उसके बाद 29A, B, C, D, E और उसके साथ ही प्रिसन स्ट्रीट 30। ये जी हम प्रिसन 33 के अंदर एंटर हो चुके हैं और मैं इस टाइम लूप रोड पे हूँ। अगर मैं राइट साइड पे मूव करता हूँ तो हमारे पास रोड 6 आ जाती है, अगर मैं लेफ़्ट साइड में मूव करता हूँ तो रोड 6A आ जाती है। तो हम सबसे पहले रोड 6A वाली साइड में मूव करते हैं। ये है जी प्रिसन 33 की शॉपिंग गैलरी जो कि इस टाइम ऑपरेशनल हो चुकी है, और इस टाइम अगर प्रिसन 35 या प्रिसन 31 के अंदर जितने भी रेजिडेंस हैं उनको कोई भी ज़रूरत की चीज़ चाहिए तो इसके अंदर ज़्यादातर अभी शॉप्स ओपन नहीं हुई, चंद शॉप्स ओपन हुई हैं जिस तरह के दूध दही और उसके अलावा यहाँ पे फ़ास्ट फूड के हिसाब से कुछ शॉप्स जो हैं वो ओपन हुई हैं, मज़ीद अभी जो है यहाँ पे शॉप्स ओपन नहीं हुई। ये इसकी पार्किंग और ये है जी शॉपिंग गैलरी। ये भी इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है यहाँ पे ऑपरेशनल हो जाएगी, मुराद ये कि यहाँ पे शॉप्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगी। अब यहाँ से हमें जो व्यू देखने को मिल रहा है ये बिल्कुल नीचे वाला जितना भी एरिया है सारा का सारा प्रिसन 33 का एरिया है, और यहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन भी देख सकते हैं कि एक दो विलाज जो हैं वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, ग्रे स्ट्रक्चर पे रेडी है। बिल्कुल सामने हमें आईफल टावर का जो है वो एक प्रॉपर व्यू देखने को मिल रहा है, और बिल्कुल साथ अगर हम देखते हैं तो रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम जो कि इसकी सराउंडिंग के अंदर आ जाता है। ये प्रिसन स्पोर्ट सिटी के अंदर इंक्लूड नहीं है लेकिन हम इसको स्पोर्ट सिटी का हिस्सा जो है ये कह सकते हैं। उसकी वजह ये कि ये बिल्कुल प्रिसन 34, प्रिसन 35 इनकी सराउंडिंग के अंदर ये प्रिसन आ जाता है, और अगर हम इस लोकेशन को भी देखते हैं तो ये प्रॉपरली हमें प्रिसन स्पोर्ट सिटी का ही हिस्सा लगता है। अब यहाँ से हम वापस मूव करेंगे रोड 6 की लोकेशन पे। अच्छा, इस प्रिसन के अंदर तकरीबन 85% जो है वो डेवलपमेंट हो चुकी है। 85% डेवलपमेंट से मुराद जितनी स्ट्रीट्स यहाँ पे रेडी हैं वो ऑपरेशनल हैं, वहाँ पे आप पोजेशन मिला हुआ है आप पोजेशन लेके कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन चंद स्ट्रीट ऐसी हैं जो कि बिल्कुल एंड वाले एरिया के अंदर बन जाती हैं और सबसे कम प्राइस के अंदर हमें देखने को मिल रही होती हैं। इस टाइम मैं रोड 6 पे हूँ, मेरे बिल्कुल लेफ़्ट साइड पर जो है स्ट्रीट 91 है, हम स्ट्रीट 91 की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, इस लोकेशन पे मैं प्राइस भी आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अगर हम कोई भी प्लॉट लेने जाते हैं तो हमें तकरीबन मिनिमम 115 लाख का आपको प्लॉट मिलेगा, फिर उसके अंदर पोजेशन यूटिलिटी पे करने हैं आपने और जो रिमेनिंग चार्जेस हैं ट्रांसफ़र फ़ी, टैक्स वगैरह। अगर रोड का
प्लॉट है तो फिर आपको रोड के चार्जेस, कैटेगरी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, अगर पार्क फेसिंग है तो फिर पार्क के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो ये जितने भी चार्जेस हैं ये आपको यहाँ पे करने पड़ेंगे। इस टाइम हम स्ट्रीट 91 पे हैं, मेरे बिल्कुल राइट साइड पे स्ट्रीट 95 है। ऑनवर्ड मूव करते हैं तो रोड 7 आ जाती है, हम रोड 7 पे मूव कर रहे हैं अभी। ये है जी रोड 7, जिस तरह की मैं आपको बता रहा था कि अगर हम रोड का प्लॉट लेते हैं तो हमें रोड के चार्जेस पे करने पड़ेंगे, तो इसी तरह अगर आपका रोड का प्लॉट है तो आपको रोड के चार्जेस पे करने पड़ेंगे। ये हम स्ट्रीट 101 की साइड पे मौजूद हैं और हम यहाँ पे प्लॉट्स, अच्छा यहाँ पे मैं आपको एक बात प्रोमिनेंट करूँगा कि यहाँ पे कुछ प्लॉट्स ऐसे ही हमें सेम स्ट्रीट्स के देखने को मिल रहे हैं जो कि डेप्थ के प्लॉट भी हैं। डेप्थ से मुराद ये कि अगर आप वहाँ कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आपको उसके अंदर अच्छी खासी भराई करनी पड़ेगी। अगर आप बेसमेंट बनाते हैं तो फिर तो आपके लिए वो बेनिफिट है, और अदरवाइज़ अगर आप बेसमेंट नहीं बनाते तो फिर आपको उसके अंदर अच्छी खासी जो है भरवाई करवानी पड़ेगी। यहाँ आगे हमें बाउंड्री वॉल नज़र आ रही है, लेकिन ये जितना भी आगे हिस्सा है ये पिसन 33 का हिस्सा है जो कि नॉन डेवलप एरिया आ जाता है। ये डेड एंड कॉर्नर के प्लॉट्स हैं। अच्छा, इस पेशेंट के अंदर ना मैं आपको एक और बात भी बताऊंगा, बल्कि मैं आपको वो दिखाऊंगा भी, कुछ बरसाती नाले के पास वाले प्लॉट्स, यहाँ पे मैं उनको डिस्करेज नहीं कर रहा या फिर किसी तरह के वो नेगेटिव बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अभी अगर आप बाइंग करना चाहें तो उस जगह पर बाइंग देख के कीजिएगा कि जो बरसाती नाले के साथ जितने भी प्लॉट्स आ रहे हैं जो कि बिल्कुल उसके साथ लगने वाले प्लॉट्स हैं, वो तकरीबन यहाँ पर जितने भी प्लॉट्स हैं वो सारे के सारे आधे प्लॉट जो हैं वो कटे हुए हैं, जिसको रेडी होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है बहरिया, क्योंकि आपको पता है कि हमें जो काम है वो इस तरह का काम थोड़ा सा उसके ऊपर टाइम टेकिंग होता है, टाइम लग जाता है। पिसन 33 के साथ जितना, पिसन 35 के साथ जो बरसाती नाला आ रहा है उसके साथ साथ वाली जितनी भी लोकेशंस है उसको उन्होंने रेडी कर दिया है, लेकिन अभी पिसन 33 का जो एरिया है वो रिमेनिंग है, वहाँ पर अभी काम होना है। अच्छा, इसके अंदर पोजेशन के लिए जो जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे शजरकारी, स्ट्रीट लाइट्स, डीपीज, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने प्रोवाइड कर दी हैं। तो आप यहाँ पे अगर बाइंग करते हैं और फौरी तौर पे कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि आप आराम से यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि जिस भी लोकेशन पे कोई नई फैमिली मूव होती है, जिस तरह भी हमने पीछे देखा कि ग्रे स्ट्रक्चर पे विला रेडी था, तो यहाँ पे अगर फैमिली मूव होगी तो यहाँ पे बहरिया उनको प्रॉपर जो है वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। इसी तरह प्रिसन 31 के अंदर जब फैमिलीज मूव होना शुरू हुई थी, प्रिसन 35 के अंदर शुरू हुई थी और 27 के अंदर शुरू हुई थी, तो यहाँ पे प्रॉपर जो है सिक्योरिटी वो प्रोवाइड की गई थी। अच्छा, इसके डिस्टेंस के अतबार से भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो क्लाइंट्स को पता है जो कि हमारी वीडियोस देखते हैं, हम क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं, लेकिन मैं आपको इसके अंदर बता देता हूँ जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं कि ये मेन गेट से तकरीबन 18 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और स्पोर्ट्स सिटी की सराउंडिंग के अंदर आ जाता है। ये प्रिसन 34 के बिल्कुल साथ वाला प्रिसेंट है, प्रिसन 35 के बाद ये आने वाला प्रिसेंट है, और लोकेशन वाइज बहुत ही प्यारी लोकेशन है। हमें यहाँ पे मुनासिब तरीन प्राइस के अंदर प्लॉट मिल रहा है, क्योंकि ओवरऑल अगर हम बहरिया टाउन कराची के अंदर इस टाइम सबसे सस्ता प्लॉट कहीं पर भी लेने जाते हैं तो हमें कहीं और इतना सस्ता प्लॉट नहीं मिलेगा। 500 गज़ का प्लॉट है और सिर्फ उसी पिसन 33 के अंदर हमें लीस्ट अमाउंट के अंदर प्लॉट मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन हमें 90 लाख मिनिमम जो अमाउंट यहाँ पे हमें प्लॉट की मिल रही है वो 90 लाख तक मिल रही है। इनफैक्ट आपको 85-87 लाख तक का भी प्लॉट मिल जाएगा, लेकिन वो बिल्कुल एंड पे, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम इसके 3 पार्ट्स बनाने वाले हैं तो उन पार्ट्स के अंदर वो मैं लोकेशन भी दिखाऊँगा, ताकि अगर आप बाइंग करते हैं तो आपको आइडिया हो कि आप किस तरीके से इसकी बाइंग करेंगे। ये हम थोड़ा सा टाउन वाले एरिया पे मूव करते हैं। ये है जी बरसाती नाला, और जिस तरह के हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका काम हो रहा है, ये इन्होंने सॉलिड रॉक जो है वो ला के रखी हुई है और इसको अपने तरीके से यहाँ पे एडजस्ट करेंगे।
ये हमें इस टाइम जितना भी एरिया नज़र आ रहा है ये सारा का सारा पिसन 33 का एरिया। यहाँ से मैं आपको शॉपिंग गैलरी का भी एक व्यू दिखा देता हूँ। ये है जी कुछ शॉप्स जो शॉपिंग गैलरी के अंदर इस टाइम ऑपरेशनल है। मज़ीद आपकी कोई भी क्यूरी हो बहरिया टाउन कराची से रिलेटेड या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो आप प्रिसन 33 स्पोर्ट सिटी पैराडाइज या आपकी डिस्प्यूट लैंड की फाइल्स के एतबार से क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे फैक्ट्रीज हैं जिनकी फाइल्स इस टाइम भी डिस्प्यूट लैंड के अंदर है तो आप हमारे जो टीम मेम्बर्स हैं उनके साथ रब्ता कर सकते हैं ताकि वो आपको फ्रेश स्टेटमेंट निकलवा के इस टाइम जो करंट स्टेटस उनका चल रहा है वो बताते रहे। तो मज़ीद आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन हो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं इसके अंदर आपको अपना नंबर भी बता देता हूँ +92304143439 मोहम्मद उमर पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स के प्लेटफॉर्म से। थैंक यू अल्लाह हाफिज़।